शहर में आए दिन सूने पड़े मकान को चोर निशाना बनाते हुए लाखों रुपए की चोरी की वारदात को अंजाम दे रहे हैं। ऐसा एक मामला कायड़ क्षेत्र के महावीर कॉलोनी का सामने आया, जिसमें सूने पड़े मकान की अलमारी से चोरों ने लाखों रुपए के जेवर और नकदी पर हाथ साफ कर दिया। मकान मालिक के परिजन ने जानकारी देते हुए बताया कि उनकी बेटी और दामाद बाहर गए हुए हैं और मकान सूना पड़ा था, जिसका फायदा उठाकर चोरों ने वारदात को अंजाम दिया। इस संबंध में परिजन द्वारा अज्ञात चोरों के खिलाफ गेगल थाने में मुकदमा दर्ज कराया गया। बलवंत सिंह जी राठौड़ मेरे दामाद है, बेटी बेटी दामाद है, ये उनका मकान है। अभी वो ऑन ड्यूटी सरकारी कार्य से बाहर चेकिंग में गए हुए थे और शाम को बिटिया घर आ गई चंद्रदाई में। पीछे से पड़ोसियों का सवेरे फोन आया करीब 10:15 बजे कि आपका दरवाजा हिल रहा खुला पड़ा हुआ है। तो हम लोग आए और आके देखा तो हमको ये पता लगा कि यहाँ चोरी की वारदात हो गई। जी, क्या क्या सामान चोरी? इसमें सोने के कंगन है करीब 5 तोले के और कैश भी था करीब, और कान के हाथों की अंगूठी है और एक दो गिन्नियां भी पड़ी थी। कैश कितना था अंकल? कैश अभी बिटिया आएगी जब बता सकता हूँ, करीब 2-1.5 लाख तो करीब है ही। लगभग कितने का नुकसान मानते हैं अंकल? ये करीब 8-10 लाख से कम का नहीं है नुकसान। और ये जिस तरह से वारदात हुई है, पीछे से लोग आए हैं और पड़ोस में जो लोग रहते हैं उनकी गाड़ी आई है, शायद 3-3:30 बजे वो आए जब ये सामान भी छोड़ गए, नहीं तो ये भी चले जाता है। कुछ सरिये वरिये भी पड़े हैं? ये सरिया पड़ा हुआ है, इसी से ताला तोड़ा है और अलमारी भी इसी से तोड़ी गई। आपका जवाई क्या करता है? हमारे जवाई है रोडवेज में मैनेजर ट्रैफिक है। ठीक ठीक, आपका परिचय? सुरेंद्र कुमार, चंद्रवरदाई नगर, अजमेर। कौन सी जगह है ये? महावीर कॉलोनी कायड़। अच्छा, थाना कौन सा लगता है? थाना अभी तक तो कह रहे थे सिविल लाइन से, मगर जानकारी से पता लगा गेगल। सूचना की आपने पुलिस को? मैंने 100 नंबर पे सूचना दी है कि हमारे यहाँ इस तरह की वारदात हो गई है, पुलिस अभी तक आई नहीं है।